हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शान्वी त्रिपाठी ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा और आप लोग इसको देख के कुछ गेस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं किस लिए हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ कंटेंट पे काम करूँगी। सो दोस्तों, आज मैं कर रही हूँ रेड चैलेंज, मतलब कि आज जो भी चीज़ों को मैं टच करूँगी वो सब लाल कलर की होनी चाहिए। जैसे ये पिन मैंने लगाई है रेड है, कुर्ती मैंने पहनी है रेड है, बेडशीट भी मेरा आप देख सकते हैं रेड है। पूरा रेड मुझे मिला नहीं तो ये मुझे लाना पड़ा काम चलाने के लिए। और पीछे जो थोड़ा मॉडर्न डेकोरेशन देख रहे हैं वो भी मैंने खुद से किया, वो भी रेड से किया है। सो बेसिकली आज का मेरा वीडियो है प्रॉपर रेड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो मॉर्निंग हो चुकी है, अभी शान्वी स्कूल जा चुकी हैं, आप देख सकते हैं टाइमिंग हो रहा है 8 o'clock, क्योंकि तैयारी करने में मुझे 1 घंटे लग गए। शान्वी 7 बजे ही चले गई थी। सो फ्रेंड्स, ये चैलेंज कर रही हूँ मैं अकेले, बट कोशिश करूँगी कि जितना हो सकेगा, क्योंकि मुझे शान्वी को भी टच करना पड़ेगा ना, तो शान्वी को भी कोशिश करूंगी रेड क्लोथ्स पहनाने की और रेड चीज़ें करने की। सो देखिए कितना आज मेरे से हो पाता है दोस्तों, और आप इस जर्नी में मेरे साथ रहिए और बताइए कि आज का मैंने चैलेंज कैसा किया है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है, तो अब मैं जा रही हूँ दोस्तों ब्रश करने। ठीक है, ब्रश करूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर नाश्ता आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, मैं क्या क्या लाल लाल चीज़ें ढूंढ के लाए और क्या क्या खाती हूँ, वो सब आज के वीडियो में आप एंजॉय करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और एंजॉय करिए आज का मेरा ये रेड चैलेंज, और आप बताइएगा कि ये चैलेंज मैंने कैसा किया है। सो दोस्तों, सबसे पहले करूँगी मैं ब्रश, और ब्रश करने की तैयारी हो चुकी है। ये लिया है मैंने रेड ब्रश, ठीक है, रेड कलर का टंग क्लीनर। ये देखिए, रेड ब्रश एंड रेड टंग क्लीनर, ये दोनों मैंने लिया है। और अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ, रेड कलर का पेस्ट भी तो चाहिए, क्यों दोस्तों, चाहिए ना, तो चलते हैं। रेड कलर का पेस्ट मंगाया तो है मैंने, डाबर लाल दंतमंजन, बट लेट्स सी कि वो लाल निकलता है कि अंदर से है कि नहीं। ये है मेरा आज का रेड कलर का, ये मेरा रेड कलर का टूथपेस्ट, लेट्स सी ये अंदर से कौन सा कलर है। सो दोस्तों, टूथपेस्ट निकल चुका है, अब मैं जा रही हूँ करने ब्रश। वाओ, रेड कलर, ये एक्सपेक्टेशन, मुझे था कहीं वो व्हाइट कलर, वो दूसरे कलर में ना अंदर से, बट ये रेड ही निकला, थैंक गॉड। सो दोस्तों, ये देखिए, अब मैं करूँगी रेड ब्रश पे रेड। ब्रश तो हो गया है, मुंह धुल लिया है, अब मुंह फेस को ड्राई करना है, और ड्राई करने के लिए मुझे चाहिए रेड टॉल, जो कि मेरे पास है। ये देखिए, सो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ब्रश हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ शार लेने। सो शार ले के मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं कौन से सोप से नहाने वाली हूँ। इससे नहाऊंगी मैं, ये रेड कलर का होता है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा ये रेड कलर का होता है, तो आज मैं नहाऊंगी इस सोप से। और मैं यूज़ करूँगी फेस वॉश, ये वाला रेड कलर का फेस वॉश, हालांकि मैं ये वाला फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ, मेरा स्किन थोड़ा सेंसिटिव है, सब कुछ मुझे सूट भी नहीं करता है, ये तो बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन 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 अब चैलेंज लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा, और रेड कलर में सिर्फ एक यही वाला आता है फेस वॉश, तो इसलिए मैंने ये मंगाया, और देख सकते हैं आप छोटा सा मंगाया, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आफ्टर आज यूज़ के बाद ये दे दूँगी मैं, सर को हैंड ओवर कर दूँगी, सर को तो सब कुछ सूट करता है, सर इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि रेड कलर का है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रेड कलर के टी शर्ट्स नहीं है, मेरे पास भी टी शर्ट्स हैं, लेकिन क्या पता मुझे चेंज करना पड़े तो सारी टी शर्ट थोड़ी नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए सर का पहनूंगी और अपना टी शर्ट पहनूंगी रात में बाद में। सो कोशिश करूँगी मैक्सिमम कपड़े आपको रेड कलर में दिखा सकूँ, जितना मैं पहन सकूँ उतना दिखाऊंगी। सो दोस्तों, अब जल्दी से शार लेके और फिर आप लोग के सामने आती हूँ, फिर करेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब शार लेके आते हैं। सो दोस्तों, मैं नहा चुकी हूँ, और नहा के मैंने ये देख लीजिए, ये देखिए, ये टी शर्ट पहन लिया है सर का, और नीचे पहना, मुझे सब पता है। आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा इस वक्त,
इसको तो ये फेस वॉश सूट नहीं करता है, तो फिर ये पक्का ये फेस वॉश लगाई नहीं होगी। इसलिए मैंने वो वाकई में वो फेस वॉश नहीं लगाया, और मैंने सोचा नहाने के बाद मैं आप लोग के सामने लगाऊंगी, सो दैट कि आप लोग को बिलीव हो जाए कि मैंने आज वही फेस वॉश और वही सोप यूज़ किया है दोस्तों। तो मैं अब चल रही हूँ फेस वॉश अप्लाई करने। फेस वॉश, वाओ, अंदर भी रेड है, थैंक गॉड, अंदर भी रेड है दोस्तों। ये है मेरा पर्सनल टॉल, और ये कोइंसिडेंस कही है जो कही है, बट मेरे पास रेड टॉल था। बेसिकली ये मुझे नहीं खरीदना पड़ा। अब नहा तो चुकी हूँ दोस्तों, अब टाइम है मेकअप करने का। लेट्स सी मेकअप में कौन कौन से आइटम है मेरे पास रेड कलर के। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ अपने मेकअप आइटम्स के साथ, और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज मैंने मेकअप लाइक क्या क्या रखा है। लाल चूड़ियाँ, लाल रबर, लाल क्लचर, लाल सिंदूर, रेड नेल पॉलिश, रेड कलर के लिपस्टिक, रेड कलर का मेरा फेस पे लगाने वाला क्रीम, इसका नाम है दोस्तों, ये पढ़ लीजिए आप लोग, रोज, दिख रहा है रोज, ROS, रोज, रोज तो रेडी होता है ना दोस्तों। और ये मेरा है रेड कलर का बिंदी। सो मैंने आपको दिखा दिया ना सब कुछ रेड रेड। अब मैं जल्दी से इसको अप्लाई भी कर लूँ, क्यों दोस्तों, अप्लाई कर लिया जाए जल्दी से। हाँ चलो, सो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। वैसे भी मुझे कौन सा कहीं जाना है, क्यों फ्रेंड्स, डायलॉग ही नहीं याद रहता मुझे, जिस चीज़ को शिद्दत से पाने का जुनून रखो उसको कायनात भी तुमको मिलाती है, वॉट एवर, याद नहीं है मुझे, बट ऐसे कुछ है डायलॉग है। मूवी भी मुझे याद है, मूवी कौन सी मूवी थी, शाहरुख खान की मूवी थी, कौन सी मूवी थी, कमेंट में आप लोग बताइएगा कौन सी मूवी थी जिसका ये डायलॉग है। जिस चीज़ को शिद्दत से पाने की जुनून रखो उसको पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में, ऐसे कुछ है ना, ओम शांति ओम, इसी मूवी का डायलॉग है, याद आ गया फाइनली। अरे कहना क्या चाहते हो, रबर तो लगा लिया है बट आई थिंक मुझे क्लचर भी नहीं, ये ऐसे सूट करता है मेरे ऊपर, जब बाल मेरे आगे रहते हैं तो अच्छा लगता है, खोल दूं क्या बाल, खोल दूंगी तो भी अच्छा लगेगा क्यों दोस्तों, अच्छा तो लगेगा ना, नहीं देखो जरा खोल के, क्या रोज तो बांध के ही वीडियो बनाती हूँ बाल, आज खोल के बना लेती हूँ वीडियो, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैंदा, मैनू पंजाबी आंदी है, मैं पंजाब विच रह चुकी हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों, सो मैं इसी लुक में रहने वाली हूँ, ये भी थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, क्यों, सो ये लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। मेरा नेल पॉलिश खराब हो गया, ठीक है सब कुछ रेड कलर ही है ना, ओहो इयररिंग्स भूल गई, लेट्स सी इयररिंग्स मिल जाए तब तो लग पहनूंगी, नहीं पहनूंगी तो कैसे पहन सकती हूँ। सो ये देख लीजिए रेड इयररिंग्स मैंने डाल ली हैं, किचन में चलते हैं, किचन में चलते हैं। सबसे पहले मुझे सुबह सुबह चाहिए गर्मा गर्म एक कप चाय, अब उसके लिए मैं टेंशन में आ चुकी हूँ क्योंकि दूध वाली चाय मैं पी नहीं सकती, लाल नहीं होती है, और लाल चाय पीने के लिए मुझे लाल चाय बनानी पड़ेगी बिना दूध वाली चाय, जो कि मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन आज पीऊँगी दोस्तों, डोंट वरी, आज मैं पीऊँगी लाल चाय। सो मैं चल रही हूँ लाल चाय रखने, ये देख लीजिए आप लोग, धोखा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ पानी है, अब मैं बनाऊंगी उसको लाल चाय, और ये देख लीजिए, तो चाय पीऊँगी और वाटरमेलन खाऊंगी और खाऊंगी ब्रेड,
अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्रेड तो व्हाइट होता है। हाँ मुझे पता है व्हाइट होता है, लेकिन अगर आप व्हाइट ब्रेड पे रेड कलर का जैम लगा दें तो आपका ब्रेड तो रेड हो गया ना दोस्तों। तो मैं खाने वाली हूँ ब्रेड जैम रेड कलर का, हालांकि वो भी मैं नहीं खाती, जैम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आज खाऊंगी डोंट वरी। सो मैं रेड जैम लगा के ब्रेड खाने वाली हूँ, चाय पीने वाली हूँ और वाटरमेलन खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। आप लोग सोच रहे होंगे मुश्किल तो आएगी तुमको लंच में, लेकिन लेट्स सी, लंच का भी जुगाड़ कर लिया। सो दोस्तों इसमें मैं चाय नहीं पीऊंगी क्योंकि प्लास्टिक का कप है, प्लास्टिक का कप नुकसान करता है, मुझे पता नहीं था ये वाला कप तो मेरे पास है ही, तो इस कप में मैं चाय पीऊंगी। और मैं जा रही हूँ अपने लिए वाटरमेलन काटने, और हाँ वाटरमेलन काटने के लिए रेड नाइफ का यूज़ कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे कटेगा ये वाटरमेलन, कैसे कटेगा भैया, काटा नहीं है मैंने कभी, बहुत महंगा मिला है मुझे ये वाटरमेलन, हे भगवान मीठा निकल जाना नहीं तो बहुत पैसा वेस्ट होगा मेरा। हाय हाय देखने में तो लाल लाल है, लेट्स सी खाने में कैसा होता है। और हाँ रेड बाउल में ही खा रही हूँ, ठीक है ये देख लीजिए आप लोग पूरा इंतजाम कर रखा है मैंने सब कुछ पीती हूँ। और हाँ मैं चीट भी नहीं कर रही हूँ, ये देख लीजिए आप लोग लाल है कि नहीं है, ये देखिए आप लोग वीडियो में देखिए लाल चाय। सो दोस्तों मेरा नाश्ता आ चुका है और ये देख लीजिए आप लोग रेड बाउल में रेड, ये देखिए जैम लगाया है मैंने ब्रेड पे, दोनों ब्रेड पे जैम लगा दिया है, रेड हो गया है ठीक है। और इसमें वाटरमेलन है जो कि आपने देखा है, ये है लाल चाय जो मैं पीने वाली हूँ। थोड़ा सा लगता है चाय की पत्ती ज़्यादा पड़ गई, थोड़ा बनाती नहीं उन्हें इतना अंदाजा नहीं। सो ये है आज मेरे नाश्ते पे, और मैंने सोचा कि आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूं। देखिए आप लोग बिलीव तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि ये जो रेड चैलेंज वीडियो में जो मैं बना रही हूँ, ये लिटरली मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया है दोस्तों, क्योंकि आज मैं वो सब चीज़ें कर रही हूँ जो नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ। लाइक एग्जाम्पल लाइक बॉय से मैं कभी नहीं नहाती, फेस वॉश जो मैंने यूज़ किया है वो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, एंड ये लाल चाय मैं कभी नहीं पीती हूँ, ब्रेड जैम मैं नहीं खाती हूँ, वाटरमेलन मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन 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 आज चूँकि रेड चैलेंज करना है तो जब चैलेंज लिया है तो उसको एज अ चैलेंज ही लियो, क्यों दोस्तों। सो मैं अपने थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाके चीज़ें कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करिएगा और हाँ खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। सो जल्दी से करते हैं ब्रेड एंड जैम को फिनिश, ये देखिए मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं खा भी रही हूँ, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। दुपट्टा लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के, तो ये गाना सुनी है बहुत दिन हो गया, यादें भी ताज़ा हो जाएंगी क्यों दोस्तों। लाल दुपट्टा डी इतने गाने में सुन रही हूँ दोस्तों, कहीं कॉपीराइट हो गया तो मैं पूरा वीडियो बर्बाद हो जाए। सो मैं आप गाने खुद एंजॉय करती हूँ और आप लोगों वीडियो में आप नहीं दिखाऊंगी, इसलिए कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए मेरे वीडियो पे। सो दोस्तों नाश्ता ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो चुका है, थोड़ी देर में लाल लाल गाने और लाल लाल कुछ एंजॉय करूंगी और आप लोगों से मिलूंगी। अब मैं ये देखिए अभी 9:30 हो रहा है, अभी 10 भी नहीं बजे, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब आप लोगों को सीधा मिलूंगी दोस्तों लंच पे। और लाल चावल का नाश्ता, नाश्ता कह रही हूँ खाना, और लाल चावल मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, ऐसे ही नहीं खाऊंगी दोस्तों, लाल चावल को मैं पहले फ्राई करूंगी और फिर खाऊंगी, हो गया ना, खाने की तैयारी भी हो गई है मेरी। ये चलते खाते हैं लाल चावल। सो दोस्तों खाने की भी तैयारी हो गई है मेरी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब बस रात का है टेंशन, देखते रात में क्या बनाती हूँ लाल। अभी तो मैंने रेड राइस बना लिया है, आराम से रेड राइस खा सकती हूँ। फिलहाल मैं खाने जा रही हूँ रेड चिप्स, क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है तीखा, तो लाल चिप्स। और हाँ एक चीज़ बता, तो ये फ्लेवर का चिप्स भी मैं नहीं खाती मुझे पसंद है वो या तो अनियन वाला या प्लेन चिप्स, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये शानवी का फेवरेट रखा हुआ था किचन में, सो दो था तो मैंने सोचा एक मैं खा लेती हूँ और एक शानवी के लिए रख दूँगी, ये भी रेड है।
सो अभी ये दो चीज़ें मैं खाने वाली हूँ, पूरा नहीं खाऊंगी, ये तो पूरा खाऊंगी, ये थोड़ा सा ही खाऊंगी, शाम के लिए रख दूंगी। सो दोस्तों रेड रेड चीज़ें मिल गई ना, और आज तो मैंने जो पुराने गाने रेड वाले वो सुनना स्टार्ट किया ना, मज़ा ही आ गया मुझे, बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत इन्जॉय किया। तो खाते हैं सबसे पहले रेड कलर का चिप्स। पता नहीं कब टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई, सॉरी मैं थोड़ा सो गई, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, दुर्घटना से देर भरी, इसका आपको यहाँ कोई जरूरी नहीं था बोलना, बट मैंने बोल दिया। सो ये खाइए आप लोग रेड कलर की चिप्स, येलो है लेकिन इसमें मसाले रेड हैं, देख लीजिए ये देखे, ये खाएंगे शांति और उनके पापा, ये रख देती हूँ अब, ये खाने की कोशिश करती हूँ, ये भी मैं कभी नहीं खाई हूँ, शांति के लिए लाती हूँ बट मैं नहीं खाती हूँ। बेसिकली दोस्तों मुझे ना मीठा बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, मीठा मतलब तीखा और चटपटी चीज़ें पसंद आती है मुझे, इसको खाती हूँ। सो ये मैं ट्राई कर रही हूँ इसको प्रेस करने का, अगर अच्छे से प्रेस हो गया तो आई विल वियर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कुछ और वियर कर लूंगी। सोच रही हूँ आप लोग को दो तीन ड्रेसेस तो आज दिखाई दे पहन के। अरे यार दोस्तों मैं डरती हूँ, एक्चुअली इसका कपड़ा शिफॉन का बहुत पतला कपड़ा है ना, तो मैं ये भी डरती हूँ अभी प्रेस करने के चक्कर में कहीं जल वल गया, फटोट गया तो लेने के लिए पड़ जाएंगे। ये साड़ी मुझे पसंद है, तो एक बार इसको मैंने शानवी के बर्थडे में पहना था, रेड थीम था ना, तो मैंने इसको पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी मैं। सो मैं लेट्स सी देखती हूँ, अगर प्रेस हो जाएगा तो पहनती हूँ साड़ी को, मैं फिर आपको दिखाती हूँ साड़ी अपना लुक। कोशिश नाकाम कोशिश कर रही हूँ, देखिए होता है कि नहीं प्रेस, जो भी करूंगी दोस्तों आप लोग के सामने ही करूंगी, सो देट कि आप लोग भी देखें मेरी कोशिशों को और मुझे सराहें आप लोग कि मैंने कितनी कोशिश की है। दोस्तों पता नहीं ये साड़ी होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन ट्रायल चल रहा है पूरा कि हो जाए प्रेस और मैं आप लोग को पहन के दिखा दूँ कि कैसी लग रही हूँ मैं इसमें, कोशिश तो पूरी है मेरी, भगवान करे हो भी जाए, हल्की बहुत भी हो जाएगी काम चलाओ तो भी मैं पहन लूँगी, टेंशन मत नहीं लीजिए दोस्तों, कौन सा मुझे पहन के कहीं जाना है, घर ही पे तो रहते रहना है, और घर पे तो कौन है जो रोज़ प्रेस करके कपड़े पहनता है, ज़रा मुझे बता दो, हैं कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, कुछ लोग हैं दोस्तों जो रोज़ प्रेस करके कपड़े पहनते हैं, लेकिन भैया मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ दोस्तों रोज़ प्रेस करके कपड़े पहनने वाले, हाँ कहीं जाऊँगी तब तो भैया प्रेस तो करना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं अरे बाप रे हालत खराब हो गई, ओ मम्मा। सो दोस्तों इतना मेहनत की है मैंने और इस साड़ी को ठीक ठाक थोड़ा बहुत पहनने लायक देखिए मैंने बना दिया है, प्रेस कर करके रगड़ रगड़ के प्रेस किया, लेकिन हाँ झुक के मेरी कमर जरूर टूट गई है फ्रेंड्स। सो मैं चलती हूँ साड़ी को पहन लेती हूँ जल्दी से और पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे लग रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। शेयर करिएगा मेरा वीडियो, हाँ खूब सारा प्यार दीजिए मेरे इस वीडियो को प्लीज़।